और जब भी आप मेहंदी के शुरू की डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हो ना, शुरू में जब आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते कि तुरंत कौन से बना सको, तो आपको चाहिए कि आपको पेंसिल वर्क करना चाहिए। जैसे कि एक रोज़ है, मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, ठीक है, यहाँ पे डार्क है, ओके, इस तरीके से। तरीके से हो गया, देन यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से घेरा, ओके, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब हम मेहंदी का कोन लेंगे, फ्रीली उसे चलाएंगे। अब देखिए, आपको शुरू में नॉर्मल पेन की तरह पकड़िए आप, यहाँ पे मैंने फील किया, ठीक है, ये देखिए, बस मैंने इसके ऊपर आउटलाइन की तरह ड्रॉ करती गई। तो इससे क्या होता है, हमारी जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब फिर कौन अपने आप इजी और चलने लगता है, इस तरीके से। ये देखिए, देखा, अब ये वाले पोर्शन को हम टाक कर देंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना है हमें, ओके, ठीक है। ये देखिए कितना इजी और आसान तरीके से बन गया। तो जब भी आप, अभी जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाती है ना, तो कोन भी आपका अच्छे से चलने लगता है, एंड आप इजीली और आसान तरीके से, ये देखिए मेरा हाथ कितना फ्री चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, यहाँ पे हल्का शेडिंग कर देंगे हम। शेडिंग करने के बाद आउटलाइन जरूर कीजिए, एकदम हल्का हल्का हाथों से, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, एंड देन इसको हम, मैंने यहाँ कोई दूसरा कोन नहीं लिया है, देखिए उसी से बारीक चलाया, उसी से शेडिंग किया है, एंड उसी से आउटलाइन कर रही हूँ।
ये देखिए, देखे आप बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। हर चीज़ को आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको ये पिक दे, अब आप इसको क्या करोगे, इस पिक को तो सबसे पहले जूम करोगे, जूम करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, डॉट। तो हम एक बड़ा डॉट बनाएंगे, एक छोटा, ठीक है। अब उसके नीचे देखो लीफ निकला हुआ है, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ आपको कैसे बनाना है जब मैं आपको वर्क सेंड करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पे टू है। आई नो हमेशा एकदम कॉपी नहीं बनती है, बट आप बेस बना सकते हो जो मैंने वर्क दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से, इस तरीके से, एंड यहाँ पे अब ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दो हमने इस तरीके से बना दिया। अब ये आपका पोर्शन जो है वो इसी तरीके से, ये देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे, एंड फिर इस तरीके से, इस तरीके से कवर, ओके। यहाँ पे ये देखिए सिंपल आपने ड्रॉ कर लिया, एंड देन फिल वन लाइन, वन स्ट्रोक, कोन, ओके। देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब चाहो तो अपना इफेक्ट दे दीजिए, थोड़ा अगर स्पेस है तो शेडिंग दे दीजिए, कुछ अपना टच बहुत अच्छा होता है। शुरू में तो हम कॉपी करते हैं, बट जब आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप खुद ही उसमें अपना टच देने लगेंगे, ठीक है। ये देखिए ठीक है, तो ये एक रोज़ आपका और बन के रेडी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉर्मल देखिए इस तरीके से, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी फेयर कॉपी बनाएंगे ना आपको थोड़ी थिक पन्नी वाली लेनी है, ओके, थिक पन्नी वाली लेनी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा वेट। ये देखिए जब भी आप फेयर कॉपी लोगे ना तो कैसा लोगे, मोटा, ठीक, देख रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ हल्का हल्का आ जाता है, बट नेक्स्ट पन्ना आपका ख़राब नहीं हुआ क्योंकि इसमें हम एक बटर पेपर भी है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से अपना परफेक्ट रखना है अपना मेहंदी की कॉपी, मेहंदी की फाइल, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है।